साइबर समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, 2,80,000 रुपए की ठगी में 4 गिरफ्तार और 4 एटीएम कार्ड जब्त। यूटी पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने एक निवासी से 2,80,000 रुपए की ठगी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरिया निवासी आनंद सिंह का आरोप है कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति से व्हाट्सएप कॉल आया था, जिसमें दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता के बेटे विपिन रावत, जो असम राइफल्स में कार्यरत है, उनको आतंकवादियों ने पकड़ लिया है। फोन करने वाले ने शिकायतकर्ता से कहा कि अगर वह अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो उसे इसके लिए भुगतान करना होगा। शिकायतकर्ता ने जालसाज द्वारा दिए गए खाता नंबर पर 3 किस्तों में कुल 2,80,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। बाद में उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस ने बिहार के सिवान जिला में छापेमारी की और 3 संदिग्धों को पकड़ा, जिनकी पहचान दिव्यांशु कुमार उपनाम गोलू, आकाश कुमार ठाकुर, राहिव कुमार है, और सिप्टन, जिनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने संदिग्धों के पास से 4 एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन भी जब्त किया है।